अध्यक्ष बीश्वर राय ने ऐलान किया है कि बिजली खंभे में काम करते समय गत 12 अक्टूबर को मारे गए परिषद के इलेक्ट्रिकल अनुभाग के संबंध में दिवंगत कर्मचारी अल्बर्ट डिंडिंग के बेटे को 2 लाख रुपए की वित्तीय मदद और अस्थायी नौकरी दी जाएगी। और कोटद्वार नगर पालिका परिषद ने अब अध्यक्ष के निर्णय की पुष्टि की है। अब यह भी फैसला किया गया है कि कर्मचारी के कल्याण के लिए तुरंत प्रभाव से कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया जाए। ग्रुप सी कर्मचारी को उनके बेटे की शादी के लिए 5,000 रुपए दिए जाए। किसी भी ग्रुप सी कर्मचारी और दैनिक वेतन वस्तु की सेवा के दौरान मौत होने पर कल्याण कोष से अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए की तत्काल वित्तीय मदद की जाएगी। ऐसे ही कुछ और प्रमुख निर्णय कोटद्वार नगर पालिका परिषद द्वारा हाल ही में लिया गया है, जिसका कोटद्वार नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने स्वागत किया है।